परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दर्शकों, आज के वीडियो का टॉपिक है गिर ब्रीड के ऊपर कि जो गिर ब्रीड जो है पंजाब के मौसम में अच्छा सरवाइव करती है, दूसरी गाय से एक कैसे रहती है और इनको कोई दूसरी गाय से रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। ये कमेंट का वीडियो है और इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको गिर के बारे में कि हमने जो गिर ब्रीड है एबीएस बुल गणपति था, अपनी एचएफ कॉ को, साईवाल कॉ को और जर्सी कॉ को, तो उसकी जो बेटियां हैं गणपति बुल की वो ही हमारे फार्म पे है। तो मैं एक एक करके जितनी भी हमारे फार्म पे कौन सी जो गिर है वो कौन से ब्रीड के कौन सी ब्लड लाइन से आई है उसकी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ और साथ में बताती हूँ कि वो कितनी फ्रेंडली है दूसरी गाय के साथ। तो ये जो हमारी गाय है इसका नाम है नेहा और ये जो है हमारी एबीएस बुल जो है गणपति उसी की बेटी है और इस बार इसने सेकंड लैक्टेशन में बच्चा दिया है। पिछले साल की जो इसकी बछड़ी थी वो अब प्रेग्नेंट है और जे सेकंड लैक्टेशन में है हमारी जे गिर ब्रीड की गाय नेहा। तो जे गणपति बुल की बेटी है और इसकी जो माँ थी वो साईवाल क्रॉस ब्रीड थी और जब इसने फर्स्ट टाइम काविंग की थी तो इसने हमें 20 लीटर दूध दिया था और इस सेकंड लैक्टेशन में ये 32 लीटर पे चल रही है और इसका जो दूध है बहुत ही बढ़िया फैट एसनेफ वाला है और ये बहुत ही सील और फ्रेंडली है और अनेक गाय के साथ इसका जो स्वभाव है बहुत बढ़िया है और ये कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं है जर्सी और एचएफ के साथ। तो इसको जो है इसके कान लंबे हैं और बहुत कम स्पॉट जो है गिर वाले आए हैं, सिर्फ इसके हवाने पे थोड़े थोड़े स्पॉट हैं और ये बहुत ही सील और ठुमक ठुमक के चलने वाली हमारी गिर ब्रीड की गाय है। तो ये नेहा की इस लैक्टेशन की बेटी है ये वाली जो भाग रही है, ये 40-120 की बुल की बेटी है जे वाली। इसका भी जो ब्लड लाइन है एचएफ और गिर का है। जी है हमारी सेल्फी, हेलो सेल्फी। तो एक जी है हमारी बछड़ी लाडली और जे भी गिर ब्रीड से है और इसको भी चालर वगैरह और इसके जो कान हैं थोड़े लंबे लंबे हैं और चालर वगैरह जो इसको भी बढ़िया आई है। इसका नाम लाडली है। तो एक हमारी जे गिरलैंडो गाय जे वाली है, जे भी गणपति की बेटी है और इसकी जो माँ थी वो जर्सी थी। तो हमने जर्सी को जे गिर गाय गिर तैयार की है जे वाली जर्सी ब्रीड से और जे भी बहुत ही अच्छी शांत स्वभाव की है और बहुत बढ़िया इसने हमें जो दूध दिया है 18 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में और इस बार जो सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी और इसको हमने जो है एचएफ का बुल जूस किया है इसके लिए उजार्क पी और इसके जो स्पॉट है गिर और जर्सी दोनों के आए हैं और ये दूसरी गाय के साथ बिल्कुल मिलजुल के रहती हैं और बहुत ही शांत स्वभाव की है, सोशलाइज करती है दूसरी गाय के साथ।
और पंजाब के मौसम के हिसाब से जे अच्छा सर्वाइव करती हैं, अच्छी मिल्क प्रोडक्शन देती हैं और बिल्कुल भी इनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है गर्मी का, और दूध प्रोडक्शन भी इनका अच्छा होता है, फैट एसएनएफ वाला होता है बढ़िया। और ये जो हमारी गाय है गिरलैंडो ब्रीड की, ये गिर की बेटी है और इसकी माँ एचएफ थी, वो 48 लीटर दूध देने वाली गौ को हमने जो था ये गणपति बुल का सीमन लगवाया था, तो ये पैदा हुई हमारी सुंदरी और ये बहुत ही प्योर गिर में आई है, इसको स्पॉट भी बहुत अच्छे आए हैं और ये जमैस्का सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है। तो एक ये है नेहा की बेटी, फर्स्ट लैक्टेशन की जो हमारी गिर गई थी, जिसकी वीडियो में मैंने सबसे पहले दिखाया था, उसकी बेटी है, इसका नाम है सोनी। और ये जो है स्टॉइक की बेटी है और इसको भी हमने जो है सेक्स सीमन जमैस्का लगाया है और ये प्रेग्नेंट है। और ये जो हमारी बछड़ी है ये 70% ब्लड लाइन है इसमें एचएफ का और 25% जो है वो गिर का है, तो ये बनेगी देखो गिरलैंडो और क्या परफॉर्मेंस देती है हमारे फार्म पे। इसका वीडियो जब ये काविंग करेगी तो मैं जरूर बनाऊंगी और इसकी हाइट ग्रोथ बॉडी कॉट सब बहुत ही बढ़िया है और ये पंजाब के मौसम को अच्छे से पसंद करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो दूसरी एक जरूरी बात, ये जो गिर गाय है बहुत ही फ्रेंडली होती है और दूसरी गाय से मिलजुल के रहना बहुत पसंद करती है। और ना ही इनको गर्मी का कोई स्ट्रेस होता है और ना ही सर्दी से कोई इनको दिक्कत होती है। तो अन्य गायें जर्सी एचएफ और जो गिर है हमारे फार्म पे तीनों ही जो अच्छे से सरवाइव कर रही हैं। तो हमने जो है काफी अपने फार्म पे क्रॉस ब्रीड जो है तैयार करवाई की है हमने खुद, जैसे जर्सी से गिरलैंडो गिर और साईवाल से एचएफ और एचएफ से जर्सी, ऐसे हमने काफी जो है क्रॉस ब्रीड कराई है। उसका फायदा ये होता है इनकी जो एक तो दूध की क्वांटिटी बढ़ती है और ये जो है पंजाब के मौसम में बढ़िया सरवाइव करती है और दूध का जो फैट एसएनएफ क्वालिटी है वो भी ज्यादा बढ़िया रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।